नमस्कार मित्रों, वेलकम टू जीएस परिवार। मैं शिवम सुमन, जीएस परिवार में आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जो विद्यार्थी नए वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त होगी, साथ ही हमारे आने वाली लाइव क्लासेस में आप आसानी से जुड़ सकेंगे। जिन विद्यार्थियों ने चैनल को कर दिया सब्सक्राइब, साथ ही कर दिया बेल आइकन को क्लिक, वो इस वीडियो को करें अपने मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर। देखिए, फ्री फॉर ऑल एजुकेशन टू ऑल, हैशटैग जीएस परिवार। कोई बच्चा छूट ना पाए, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जीएस परिवार आपका अपना परिवार है, इस परिवार को सभी विद्यार्थियों तक जरूर पहुंचाएं। जो भी विद्यार्थी जीके जीएस की तैयारी करना चाहता है, जीएस परिवार उन सभी के लिए लाया है जीके जीएस की स्पेशल क्लासेस। यहाँ पर आप एमपी करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स तथा विगत वर्षों के प्रश्नों की सीरीज करा रहे हैं। तो आइए इस वीडियो में बढ़ते हैं हम प्रश्नों की ओर। परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण आपका ये प्रश्न बनने वाला है, अमेरिका के 46वें नंबर के राष्ट्रपति कौन बने? तो काफ़ी कड़ी टक्कर थी, डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे या जो बाइडन बनेंगे। डोनाल्ड ट्रंप जिनकी चुनावी पार्टी थी रिपब्लिकन और चुनावी चिन्ह था इनका हाथी, जबकि जो बाइडन जिनकी चुनावी पार्टी थी डेमोक्रेटिक एवं चुनाव चिन्ह था गदा, जबकि हाथी को हराकर पार्टी जीती है डेमोक्रेटिक जिसका चुनाव चिन्ह है गदा। तो याद रखिएगा, रिपब्लिकन की हाथी डोनाल्ड ट्रंप नहीं जीते, बल्कि डेमोक्रेटिक जिसका चुनाव चिन्ह है गदा वहां पर जीते हैं जो बाइडन। जो बाइडन ने अमेरिका में सरकार बनाई है और जो बाइडन अमेरिका के बने राष्ट्रपति। याद रखिएगा, भारत में भी अमेरिका से ही हमने राष्ट्रपति लिया है, किंतु भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका होती है और सर्वोच्च शक्ति अर्थात संपूर्ण वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री को कहा जाता है, क्योंकि हमने संसदीय प्रणाली कहाँ से लिए? ब्रिटेन अर्थात इंग्लैंड से लिए। साथ ही याद रखिएगा, भारत में लिया गया राष्ट्रपति अमेरिका से, किंतु अमेरिका का राष्ट्रपति भारत से हज़ार गुना ज़्यादा ताकत रखता है। अमेरिका का राष्ट्रपति दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकत रखता है। साथ ही अमेरिका का राष्ट्रपति जो व्यक्ति बनता है, वे चार साल तक किसी भी रूप में हटाया ही नहीं जा सकता। याद रखिएगा, असंभव कार्य है। हटा तो सकते हैं, किंतु इतना असंभव कार्य है कि आज तक 45 राष्ट्रपति बन चुके हैं और 46वें बने जो बाइडन, किंतु किसी भी राष्ट्रपति को अभी तक नहीं हटाया जा सका है। डोनाल्ड ट्रंप के बाद 46 नंबर के राष्ट्रपति बनना है जो बाइडन। इनका पहला कार्यकाल होगा, यदि डोनाल्ड ट्रंप बनते तो इनका दूसरा कार्यकाल होता। अमेरिका में जब भी कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है तो उसका कार्यकाल होता है 4 वर्ष का और एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। याद रखिएगा, जिस प्रकार से बराक ओबामा ने 2 कार्यकाल किए थे, डोनाल्ड ट्रंप भी यही चाह रहे थे, हम भी 2 कार्यकाल करें, किंतु ये हार गए क्योंकि इनको 214 ही इलेक्ट्रोल वोट प्राप्त हुए, जबकि इनके विपक्ष में जो बाइडन को 270 से अधिक वोट प्राप्त हो चुके हैं। देखिएगा, हमने 270 लिखा है क्योंकि यहाँ पर जरूरी मत का जो आंकड़ा होता है वो होता है 270। 270 से अधिक इन्होंने मत अभी तक प्राप्त कर लिए, अर्थात 46 नंबर के राष्ट्रपति आपके कौन बनेंगे? जो बाइडन। अमेरिका में जो व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बनता है उसका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है और वे व्यक्ति 2 बार चुनाव लड़ सकता है और 2 बार राष्ट्रपति पद पर बैठ सकता है। 2 बार से अधिक यहाँ पर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकता। खास बात क्या थी, इस बार दोनों व्यक्ति जो खड़े हुए थे उनकी एज 70 से अधिक थी। जो बराक ओबामा थे जिन्होंने दोनों कार्यकाल पूरे किए, उनकी 55 के लगभग एज थी, जबकि इन दोनों की एज 70 से ऊपर है। देखते हैं जो बाइडन अगली बार दोबारा से राष्ट्रपति बनते या नहीं बनते। बाकी अभी 46 नंबर के राष्ट्रपति बन चुके हैं जो बाइडन। साथ ही याद रखिएगा, अमेरिका का राष्ट्रपति 4 साल के लिए बनता है और 4 साल के बीच में यदि ये व्यक्ति अपने पद से इस्तीफा देता है, यदि इस व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो अमेरिका में कभी भी राष्ट्रपति के मध्यवर्ती चुनाव नहीं कराए जाते। लिख लीजिए, बिल्कुल छाप लीजिए, जिस प्रकार से भारत में जब भी राष्ट्रपति की मृत्यु होती है पद से इस्तीफा दिया जाता है या फिर चलाया जाता है महाभियोग, तो उपराष्ट्रपति उसके पद पर आता है। 6 माह के अंदर अंदर हम भारत में चुनाव कराते हैं राष्ट्रपति के, जबकि अमेरिका में ऐसा कभी भी नहीं होता है। अमेरिका में सदैव चुनाव 4 साल के बाद ही होता है। तो यहाँ पर फिर यदि राष्ट्रपति की मृत्यु होती है तो कौन बैठेगा? तो हम कहेंगे यहाँ पर बैठेगी कमला हैरिस। याद रखिएगा, राष्ट्रपति की यदि मृत्यु होती है तो राष्ट्रपति के पद पर काम करेगा वहाँ पर उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति होगा, इसलिए कहते हैं अमेरिका का उपराष्ट्रपति भी बहुत बड़ी ताकत रखता है, क्योंकि यदि राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं रहता है तो उपराष्ट्रपति को ही राष्ट्रपति बनाया जाएगा, बीच में कभी भी चुनाव नहीं कराए जाएंगे। और इस बार उपराष्ट्रपति बनी है डेमोक्रेटिक पार्टी से भारतीय मूल की व्यक्ति कमला हैरिस।
याद रखिएगा भारतीय मूल की है, और साथ ही याद रखिएगा अमेरिका में जो व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होता है वो व्यक्ति के लिए ज़रूरी क्या है, उसका जन्म कहाँ पर हुआ हो, भारत में हुआ हो, यदि वो व्यक्ति सॉरी अमेरिका में हुआ, यदि कोई व्यक्ति अमेरिका के चुनाव में खड़ा होता है तो उसके लिए ज़रूरी बात क्या है, उसका जन्म कहाँ पर हुआ हो, अमेरिका में। यदि वो व्यक्ति अमेरिका में जन्म नहीं लेता है तो वे कभी भी राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता। अमेरिका में चुनाव में खड़ा होने के लिए प्रथम प्राथमिकता क्या रहेगी, उसका जन्म कहाँ पर हुआ हो अमेरिका में, साथ ही वो कितने वर्ष तक रहा हो, 14 वर्ष तक। ज़रूरी नहीं कि वो अमेरिका में जन्म लिया हो और बाकी सभी उसने वर्ष बड़ा हुआ हो, पढ़ाई लिखाई की हो, ये सब कहाँ पर बाहर जाकर की हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो याद रखिएगा ज़रूरी क्या है, उसका 14 साल तक कहाँ पर रहना, अमेरिका में रहना, अमेरिका में वो 14 साल तक रहेगा और साथ में जन्म भी कहाँ पर हुआ हो, अमेरिका में, वही व्यक्ति क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। देखिएगा अमेरिका में जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है वो व्यक्ति का नाम पहले से जनता जानती है, क्योंकि जनता ही डिसाइड करती है इस पार्टी से ये व्यक्ति खड़ा होना चाहिए। जैसे डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी है तो वहाँ पे ये मानो कि तकरीबन 1.5 से 2 माह पहले एक लिस्ट जारी कर दी जाती है कि ये व्यक्ति खड़े होने वाले हैं, तो जनता ये बताती है कि इस पार्टी से ये व्यक्ति जाना चाहिए। अर्थात वहाँ की जनता को पता होता है कि कौन राष्ट्रपति बनने वाला है, कौन उपराष्ट्रपति बनने वाला है। दो जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी है उन पार्टियों से फिर वो व्यक्ति अपना क्या करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। किंतु भारत में ये असंभव है, भारत में ऐसा होता ही नहीं है। भारत की जनता ना चुन करके भारत में जो प्रधानमंत्री सत्ता होती है वो डिसाइड करती है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कौन होगा। क्या आपने कभी सोचा है इस बात को कि भारत की जनता को पता हो, आपको पता था रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बनने वाले, वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति बनने वाले, या आप कोई और नाम देते वो बन जाता, नहीं। प्रधानमंत्री की सत्ता जो चाहती है भाई क्या होता है, भारत में राष्ट्रपति बनता है, भाई उपराष्ट्रपति बनता है। याद रखिएगा हम विधायक को चुनते हैं, हम सांसदों को चुनते हैं, हमको नहीं पता होता है मुख्यमंत्री कौन बनेगा, हमको नहीं पता होता है प्रधानमंत्री कौन बनेगा, हमको नहीं पता होता है राष्ट्रपति कौन बनेगा। हम केवल सांसदों का पता होता है, हमें केवल विधायकों का पता होता है, ये भारत की सत्ता है। जबकि अमेरिका में क्या होता है, जो व्यक्ति राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनेगा अमेरिका की जनता को पता होता है, जबकि भारत में ऐसा नहीं होता है। हम क्यों कंपैरिजन कर रहे हैं, क्योंकि भारत में जो राष्ट्रपति लिया जाता है वो अमेरिका से ही लिया जाता है। भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 52 के तहत जो बनता है वो केवल एक नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। और अमेरिका की जो कार्यपालिका है वो संपूर्ण सत्ता राष्ट्रपति के पास होती है, उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ होती है, और 4 वर्ष तक वो दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। इसलिए आप ट्विटर हैंडल पर यदि जाओगे तो देखोगे दुनिया के सभी दिग्गज बड़े बड़े राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एवं दिग्गज लीडरों ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन को बधाइयाँ देना शुरू कर दिए, क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति मतलब कि दुनिया में सबसे बड़ा व्यक्ति जाना जाता है अमेरिका का राष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति कौन बने, कमला हैरिस। यदि जो बाइडन अपने पद पर नहीं रहते तो राष्ट्रपति के रूप में भी काम कौन करेंगे, जो बाइडन करेंगे। तो ये थी आज का सबसे बड़ा प्रश्न जो हर प्रतियोगी परीक्षाओं में आपका पूछा जाएगा, अमेरिका में 46 नंबर के राष्ट्रपति कौन बने, तो आप बोलोगे जो बाइडन। और जो बाइडन बने कौन सी पार्टी से, डेमोक्रेटिक पार्टी से, जिसका चुनाव चिन्ह गदा। याद रखिएगा किसको हराया, तो रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप को हराया है, जिनका चुनाव चिन्ह था हाथी। और कमला हैरिस भी किस पार्टी से, तो याद रखिएगा डेमोक्रेटिक पार्टी से, जिसका चुनाव चिन्ह गदा। साथ ही यदि जीएस परिवार आपको बताए अभी तक जो 46 राष्ट्रपति आए, क्योंकि 46वें राष्ट्रपति का कार्यकाल हमने नहीं देखा है, बाकी अभी तक के 45 राष्ट्रपतियों में सबसे दिग्गज राष्ट्रपति जिन्होंने पूरी दुनिया पे अपनी छाप छोड़ दी है, उसमें जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन एवं बराक ओबामा, ये व्यक्ति ऐसे रहे जिन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति के पद के रूप में इस प्रकार से काम किया है कि पूरी दुनिया इनको जानती है, जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन एवं बराक ओबामा। साथ ही याद रखिएगा अमेरिका में 1787 से, याद रखिएगा 1787 से राष्ट्रपति आ रहे हैं, क्योंकि 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन से इनका संविधान बनता है। अमेरिका का याद रखिएगा आधुनिक दुनिया का पहला लिखित संविधान है एवं सबसे छोटा संविधान है। केवल यहाँ पर कितने आर्टिकल हैं, केवल 7 आर्टिकल हैं। हमारे भारत में अभी तक हमने कितने आर्टिकल बना दिए, 470 आर्टिकल बना दिए, 104 संशोधन कर चुके, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। किंतु अमेरिका का संविधान आधुनिक दुनिया का पहला एवं सबसे छोटा संविधान है, केवल 7 आर्टिकल है। 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन के बाद बनता है, और अमेरिका भी इंग्लैंड का गुलाम था, जो 1775 में इसने इतनी सारी लड़ाइयाँ की है, 1775 से 1700
87 के मध्य तक इन्होंने काफ़ी सारी लड़ाइयाँ की और आखिर अमेरिका आज़ाद हो ही गया। और 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन के बाद इन्होंने अपना संविधान बना दिया जिसमें 7 आर्टिकल है। जबकि संविधान का जो जनक माना जाता है, संविधान की जो शुरुआत मानी जाती है, वो हुई थी यूनान एथेंस से। तो याद रखिएगा इस प्रश्न को। अमेरिका के 46 नंबर के राष्ट्रपति बने जो बाइडन, पराजित किया है किसको इन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप को। और उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस, जो भारतीय मूल की हैं। हाल ही में मनोज मुकुंद नरवणे को मानद जनरल पद से किस देश की सेना ने किया है सम्मानित, तो आंसर होगा नेपाल। नेपाल की सेना ने भारतीय थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे को मानद जनरल पद से सम्मानित किया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। प्रधानमंत्री है केपी शर्मा ओली और राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी। नेपाल भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इन 5 राज्यों से सीमा साझा करने की कुल लंबाई 1751 किलोमीटर है। भारतीय 5 राज्यों को आप जीएस परिवार ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद रख सकते हैं। तो ट्रिक है BSPUU अर्थात बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। यहाँ पर हमारी SSB सीमा सुरक्षा बल खड़ी होती है जो भारत एवं नेपाल के मध्य हमारी सुरक्षा करती है। देखिए बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। 1751 किलोमीटर कुल लंबाई है। अगला प्रश्न, एम्स के प्रमुख रणदीप गुलेरिया के द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है, तो देखिएगा COVID-19 के ऊपर एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है टिल बी बिन। COVID-19 के ऊपर लिखी गई पुस्तक है एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने लिखी है। कोविड कोरोना वायरस डिजीज़ 2019, ये जो कोरोना वायरस है इसी के बारे में पूरी बतलाई गई है टिल बिबिन पुस्तक। कोरोना का पहला केस केरल में मिला था जबकि कोरोना की पहली डेथ हुई है कर्नाटक में। याद रखिएगा कोरोना का पहला केस कहां पर मिला है, केरल में, जबकि कोरोना पेशेंट की पहली डेथ कहां पर हुई है, कर्नाटक में। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम में, जबकि कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलुरु। साथ ही याद रखिएगा केरल गवर्नमेंट ने ही किन्नर को ट्रांसजेंडर शब्द दिया है जबकि विकलांग को दिव्यांग शब्द दिया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। साथ ही ट्रांसजेंडर टॉयलेट आपका कहां पर बनेगा, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ट्रांसजेंडर टॉयलेट बनेगा। साथ ही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ही एक अधिकारी बनी है संजना सिंह, जो भारत की पहली क्या है, ट्रांसजेंडर अधिकारी है। तो अलसेन कोट्टाहारा किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, तो याद रखिएगा आइवरी कोस्ट के तीसरी बार राष्ट्रपति बने अलसेन ओट्टाहारा। आइवरी कोस्ट की राजधानी है यामोसुक्रो, जबकि करेंसी अफ्रीकन फ्रैंक। याद रखिएगा करेंसी अफ्रीकन फ्रैंक है और राजधानी है यामोसो। अगला प्रश्न, भारत ने पिनाकल रॉकेट का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है, तो आंसर होगा आपका चांदीपुर। चांदीपुर कहाँ पर है, उड़ीसा में। तो उड़ीसा के चांदीपुर में पिनाकल रॉकेट का सफल परीक्षण भारत सरकार ने किया है। भारत सरकार में कौन करेगा, DRDO, क्योंकि मिसाइलों से संबंधित सभी काम कौन करता है, DRDO, और रॉकेट से संबंधित सभी काम करता है ISRO। क्लियर हुआ। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और राज्यपाल है गणेशी लाल। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, याद रखिएगा भारत की पहली स्मार्ट सिटी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर बनी है, जबकि 24 स्मार्ट सिटी कौन बनी है, मेघालय की राजधानी शिलोंग। DRDO ने किया है, कहाँ पर किया है, चांदीपुर उड़ीसा में। तो DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना होती है 1958 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, प्रमुख है इसके जी सतीश रेड्डी, जबकि इसका मोटो क्या है, बलस्य मूलम विज्ञानम। अगला प्रश्न, सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली ट्रेन, तो याद रखिएगा सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली ट्रेन कहाँ पर चालू की जा रही है, केरल में। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम में, मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन, जबकि राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। देखिए सौर ऊर्जा अर्थात जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा होती है उसका सौर ऊर्जा में परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है, सौर ऊर्जा कहलाता है। अगला प्रश्न, MP के किस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में शामिल किया गया है, तो यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है MP का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान का नाम भी याद रखिएगा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है आपका। देखिए
पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को 1981 में स्थापित किया गया था, जबकि 1993 अर्थात 1993 में इसको बाघ संरक्षण के रूप में लाया गया। क्लियर हुआ? देखिए, यूनेस्को ने किया है तो यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की स्थापना 1946 में लंदन के यूनाइटेड किंगडम लंदन में होती है, जबकि वर्तमान हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। यूनेस्को के प्रथम हेड थे आपके जूलियन हक्सले, जबकि वर्तमान हेड कौन है? आंद्रे अजूले हैं। इसके सदस्य कुल 195 और मध्य प्रदेश में भी यूनेस्को ने 3 स्थायी एवं 1 अस्थायी धरोहर को शामिल किया हुआ है। यूनेस्को ने 3 स्थायी शामिल किए खजुराहो को 1986 में, सांची का स्तूप 1989 में, जबकि भीमबेटका 2003 में। एक अस्थायी धरोहर शामिल है जो कि कौन है? ओरछा। ओरछा आपका निवाड़ी जिले में आता है, मध्य प्रदेश का निवाड़ी जिला। 52वां जिला बना है जो टीकमगढ़ से अलग हुआ है। याद रखिए, मध्य प्रदेश में 52 जिले जो भारत के दूसरे सर्वाधिक जिले हैं, जबकि सर्वाधिक जिले भारत में उत्तर प्रदेश में 75 जिले और मध्य प्रदेश में कितने? 52 जिले। और 52वां जिला निवाड़ी किससे अलग हुआ है? टीकमगढ़ से। और निवाड़ी में क्या है? ओरछा। ओरछा वहाँ की एक तहसील है जिसको अस्थायी सूची के रूप में शामिल किया गया है यूनेस्को ने। निवाड़ी में 3 तहसीलें, ओरछा, निवाड़ी और प्रद्वीपुर, उसी में से एक तहसील कौन है? ओरछा। अगला प्रश्न, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे शामिल किया गया है? या हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए? तो आंसर होगा ज्ञानेंद्रो निगोबम को। ज्ञानेंद्रो निगोबम को हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया है। हॉकी इंडिया की स्थापना सन 2009 में होती है। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको न्यू दिल्ली में। नई दिल्ली दिल्ली की राजधानी है। दिल्ली आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसी में से एक है आपका दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल एवं यहाँ पर उपराज्यपाल है अनिल बेजल। अगला प्रश्न, किसने 10 उपग्रहों के साथ PSLV C-49 सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा इसरो। इसरो ने किया है PSLV। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, याद रखिएगा PSLV का पूरा नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, की मदद से किया है किसने? इसरो ने। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना 1969 में होती है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में हेड कौन है? के शिवान। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने 5 बैंकों के साथ UPI पेमेंट, याद रखिएगा UPI पेमेंट के लिए साझेदारी की है? तो 5 बैंकों के साथ की, और वो 5 बैंक आपकी SBI, ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और जियो पेमेंट बैंक। तो 5 बैंक याद रखिएगा, भारतीय 5 बैंक के SBI, ICICI बैंक, HDFC, एक्सिस और जियो पेमेंट बैंक। इन 5 बैंकों के साथ साझेदारी की है व्हाट्सएप ने। व्हाट्सएप अपने 20 मिलियन यूजर्स को ये सुविधा उपलब्ध कराएगा, UPI पेमेंट इससे आप कर सकेंगे। व्हाट्सएप वास्तव में आपका फेसबुक की मूल कंपनी है, याद रखिएगा व्हाट्सएप फेसबुक की मूल कंपनी है, और इंस्टाग्राम भी आपकी फेसबुक की ही मूल कंपनी है। और फेसबुक की स्थापना फरवरी 2004 में मार्क जकरबर्ग के द्वारा की जाती है, जबकि इस व्हाट्सएप की स्थापना होती है 24 फरवरी सन 2009 में, 11 साल पहले, और फेसबुक की स्थापना होती है फरवरी 2004 में। अगला प्रश्न, हरियाणा विधानसभा ने प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने का बिल पारित किया है, कहाँ पर? तो याद रखिएगा हरियाणा ने किया है। स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देंगे जहाँ पर स्थानीय नौकरियाँ निकलेंगी प्राइवेट सेक्टर में। देखिए, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर एवं राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा के पहले ये बिल एक और गवर्नमेंट पारित कर चुकी है, याद रखिएगा YSR जगन मोहन रेड्डी, जहाँ के राज्यपाल हैं आंध्र प्रदेश। लास्ट वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था मध्य प्रदेश पुलिस के वर्तमान महानिदेशक कौन है, तो काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने आंसर दिया था। उनमें से प्रमुख विद्यार्थी हम उनके कमेंट्स शो करा रहे हैं, तो रानी गौर, आरती गौर, दिव्या चौधरी एवं अंकित पांडे, इन सभी ने आंसर दिए हैं। बाकी देखिए, इन्होंने कहा है मध्य प्रदेश पुलिस की स्थापना 1854 में होती है, वर्तमान महानिदेशक इनके विजय कुमार सिंह है, और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। तो काफ़ी अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया इन सभी विद्यार्थियों ने। GS परिवार आप सभी विद्यार्थियों की सफलता की कामना करता है। आज के वीडियो का प्रश्न है,
जिसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने भी विद्यार्थियों के आंसर हमें प्रभावित करेंगे उन सभी आंसर्स को हम अगले वीडियो में कमेंट्स को जरूर कराएंगे। तो प्रश्न है, निम्न में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो अगले वीडियो आने से पहले आप इस वीडियो में ज़रूर कमेंट करें इस वीडियो का क्वेश्चन। तो देखिएगा, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है आपके पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद अली जिन्ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू या लाल बहादुर शास्त्री। आंसर ज़रूर दीजिएगा और जितना ज़्यादा आपको डिटेल में पता हो ज़रूर कमेंट में टाइप करिएगा। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्री फॉर ऑल एजुकेशन टू ऑल #GS परिवार, कोई बच्चा छूट ना पाए। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो सभी विद्यार्थियों तक इस चैनल को ज़रूर पहुँचाएँ। GS परिवार आपका अपना परिवार है, ज़रूर सभी विद्यार्थियों से कहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।